तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही समझ लें क्या है। अगर आप कहते हैं साइन पाई बाई सिक्स की वैल्यू हाफ है साइन 30 डिग्री, तो इसी को अगर इनवर्स में ले लूं तो ये लिखेंगे साइन पाई बाई सिक्स। ये पावर नहीं है, दिस इज नॉट साइन रेस टू माइनस वन, ये एक सिंबल है। जैसे साइन इनवर्स पढ़ेंगे, जैसे मैट्रिक्स में ए इनवर्स पढ़ते थे, इसको पढ़ेंगे साइन इनवर्स। ये पावर नहीं है, इसको ना समझे कि ये साइन का पावर है माइनस वन। साइन इनवर्स हाफ या इनवर्स ऑफ साइन हाफ इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करके लिखूं, ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें मैं लिखवा दूंगा, पहले आप सुनते रहें इसे। अगर लिखा हुआ कहीं पे साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, ये लिखा हुआ, इसी स्टेटमेंट को अगर मैं इनवर्स करके लिखूं तो कैसे लिखूंगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इसको पढ़ोगे साइन इनवर्स एक्स। ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि ये जो साइन इनवर्स एक्स है, दिस इज नॉट साइन एक्स रेस टू माइनस वन, ये पावर नहीं है, दिस इज जस्ट ए सिंबल। जैसे साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है, अगर कहीं पे ये लिखता हूं मैं साइन स्क्वायर एक्स, तो एक्चुअली ये पावर होता है साइन एक्स का स्क्वायर। या अगर मैं लिखता हूं साइन क्यूब एक्स, तो ये पावर होता है साइन एक्स का होल क्यूब। बट इनवर्स पावर नहीं है, साइन इनवर्स एक्स जो है, दिस इज नॉट साइन एक्स रेस टू माइनस वन, ये जस्ट एक सिंबल है। इधर देखो, ध्यान दो, इधर एक बात तो ये, दूसरी बात की जो इनवर्स होगा साइन का, कॉस का, टेन का, वो एक्चुअली एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे साइन थीटा की वैल्यू एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा को। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू थीटा है। आपने कहा साइन पाई बाई सिक्स हाफ है, तो साइन इनवर्स हाफ पाई बाई सिक्स के इक्वल है, यानी साइन इनवर्स हाफ जो है उस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे साइन की वैल्यू हाफ हो जाती है। तो अगर मैं कह रहा हूं साइन इनवर्स हाफ बताए, तो इनडायरेक्टली मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू हाफ होगी। जिस एंगल पे साइन की वैल्यू हाफ होगी वही साइन इनवर्स हाफ हो जाएगा, तो साइन इनवर्स हाफ होगा पाई बाई सिक्स। एक बात और सुन लीजिए ध्यान से, कि साइन इनवर्स एक्स लिखा जाए या ये लिखा जाए आर साइन एक्स, ये दोनों एक ही चीज है। कई बार इनवर्स को आर्क भी लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स या आर्क साइन एक्स। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स है तो आर्क टेन एक्स, कॉस इनवर्स एक्स है तो आर्क कॉस एक्स बोलेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात यह है, ध्यान से समझिएगा, मैं कह रहा हूं कि साइन पाई बाई सिक्स हाफ है, बट सिर्फ पाई बाई सिक्स इकलौता ऐसा एंगल नहीं है जहां पे साइन की वैल्यू हाफ बनेगी। भाई साइन की वैल्यू हाफ तो कई बार बनेगी, अगर मैं साइन 150 डिग्री निकालूंगा तो भी हाफ हो जाएगा, साइन 5π/6 निकालूंगा तो भी हाफ हो जाएगा साइन 150 डिग्री। अगर मैं साइन 13π/6 निकालूंगा 2π + π/6 तो भी हाफ हो जाएगा। अगर साइन 2π + 5π/6 यानी 17π/6 लूंगा तो भी हाफ हो जाएगा। तो इनफैक्ट कोई एक दो एंगल नहीं है, ऐसी साइन की ऐसी इनफाइनेटली मेनी एंगल्स है जहां पे साइन की वैल्यू हाफ होगी। ये तो आपको पता ही है, इसलिए मैं कह रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिए थोड़ा सा। आपको पता है कि साइन की वैल्यू हाफ जो है वो कोई एक बार नहीं होगा, एक रोटेशन में साइन की वैल्यू हाफ जो एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा तो एक बार सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा 30 डिग्री और 150, फिर दूसरी बार जो घूम के आएंगे तो फिर 2π + π/6 और 2π + 5π/6, फिर दो बार घूम के आएंगे तो 4π + π/6, 4π + 5π/6। तो ऐसे इनफाइनेटली मेनी एंगल्स है जहां पे साइन की वैल्यू हाफ है। अब अगर इसको मैं इनवर्स में लिखूं तो इनवर्स में क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर साइन पाई बाई सिक्स हाफ है तो आप इनवर्स में क्या लिखोगे, साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स। इस वाले से साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू, इस वाले से लिखेंगे तो साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू, इस वाले से लिखेंगे तो साइन इनवर्स
इज इक्वल टू 13 पाई बाई 6। इस वाले से लिखेंगे तो साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू 17 पाई बाई 6। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन इनवर्स हाफ की कोई एक तो वैल्यू नहीं बन रही है, साइन इनवर्स हाफ की इनफाइनिटली मेनी वैल्यूज बन रही है। तो मैंने चार लिखी है, ऐसे आप 4000 लिख दो, इनफाइनिटली मेनी वैल्यूज हो जाएंगी साइन इनवर्स हाफ की। तो हम इसमें से कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे, यानी अगर आगे से कोई मुझसे पूछेगा कि साइन इनवर्स हाफ की क्या वैल्यू है, तो हम कौन वाली बोलेंगे, 5 बाई 6 बोलेंगे या 5 पाई बाई 6 बोलेंगे या 13 पाई बाई 6 बोलेंगे या 17 पाई बाई 6 बोलेंगे। तो उसके लिए हर एक इनवर्स की एक प्रिंसिपल रेंज डिफाइंड कर दी गई कि बोला जाए या ना बोला जाए, प्रिंसिपल वर्ड लगाया जाए या ना लगाया जाए, आप हमेशा वैल्यू प्रिंसिपल वाली ही बोलोगे और यूनिवर्सली सारे लोग एक ही चीज फॉलो करें, इसलिए ये प्रिंसिपल रेंज डिफाइन कर दी गई। और ये वर्ड ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चन में लिखा होगा कि राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, नहीं भी लिखा होगा तो हम साइन इनवर्स ऑफ की वैल्यू सिर्फ यही वाली बोलते हैं पाई बाई 6, ये सब रिजेक्ट हो जाते हैं। प्रिंसिपल वर्ड लगा हो या ना लगा हो, इनवर्स वैल्यू जो लिखनी है वो हमेशा प्रिंसिपल वाली लिखनी है। वो अभी मैं बताऊंगा कि प्रिंसिपल रेंज होता क्या है, यानी साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक होगी, कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक होगी, टैन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन मैं सिर्फ ये आपसे कह रहा हूं कि प्रिंसिपल वर्ड लगाया जाए या ना लगाया जाए, वैल्यू आपको हमेशा प्रिंसिपल वाली ही बतानी। मतलब अगर पेपर पे ना लिखा हो तो आप बाद में आके मुझसे बहस मत करोगे कि सर आपने प्रिंसिपल तो बोला ही नहीं था इसलिए मैंने ये वाली लिख दी, चलेगा नहीं। आपको प्रिंसिपल ही बताना है, चाहे वर्ड प्रिंसिपल लिखा जाए या ना लिखा जाए। इनफैक्ट जो प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है ये बेकार नहीं है, मतलब वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो वैसे भी बाई डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन भी अगर आपको याद हो, 11th में आपने पढ़ा होगा, तो फंक्शन में आपने पढ़ा होगा कि फंक्शन में एक पॉइंट पे एक से ज्यादा वैल्यू नहीं बननी चाहिए। अगर एक पॉइंट पे एक से ज्यादा वैल्यू बन गई तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा, वो रिलेशन होगा। फंक्शन में हर एक पॉइंट की एक ही इमेज होती है, किसी भी पॉइंट पे सिर्फ एक ही वैल्यू बनती है, और अगर एक पॉइंट पे एक से ज्यादा वैल्यू बन रही है तो फिर उसे हम फंक्शन कहते ही नहीं है, हम उसे रिलेशन बोलते हैं, जबकि हम इसे फंक्शन बोल रहे हैं। चैप्टर का नाम ही मैंने लिखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो अगर फंक्शन बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट पे एक से ज्यादा वैल्यू होनी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है कि साइन इनवर्स ऑफ की एक से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती, वैल्यू तो मुझे एक ही लेनी पड़ेगी। अब वो एक क्या लेनी पड़ेगी, वो सारे लोग यूनिवर्सली एक साथ मिलकर डिसाइड कर चुके हैं कि यही लेना है। यानी अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ बोलूं तो ऐसा ना हो कि मैं कुछ और ले रहा हूं और पड़ोस वाली क्लास में कोई कुछ और ले रहा हो, दूसरी कंट्री में कोई कुछ और ले रहा हो, तो सारे एक ही चीज फॉलो करें, इसलिए ये प्रिंसिपल वर्ड डिफाइन कर दिया गया कि हम ये वाली लेंगे। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्चुअली साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू हम लेते हैं वो माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में लेते हैं, माइनस 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री के बीच में, इसके बाहर नहीं जाएंगे, और इसके अंदर सारी वैल्यू मिल जाती है आपको, क्योंकि एक्चुअली साइन 90 डिग्री 1 होता है और साइन ऑफ माइनस 90 डिग्री माइनस 1 होता है, तो माइनस 1 से 1 के बीच की सारी वैल्यू इसमें आपको मिल जाती है, क्योंकि साइन की जो भी वैल्यू होगी वो माइनस 1 और 1 के बीच में ही होगी। तो अब जो आपको ध्यान में रखना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, जो शुरुआत में डेफिनेशन लिखी जा रही है वो बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा, सिर्फ कॉपी पे लिखने से काम नहीं चलेगा, और शुरुआत वाली जो 5-6 लाइंस लिखी हुई है इसी पे ये पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। मतलब अगर आपको ये शुरू के 5-6 लाइंस याद रह जाए तो चैप्टर आपको आसान लगेगा, प्रोवाइडेड ट्रिग्नोमेट्री वाले आपको फॉर्मूले याद है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो यूज होगी होगी बार बार, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हो, शुरू के 5-6 लाइंस जो लिखी जा रही है वो याद हो, चैप्टर आपको आसान लगेगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो मैंने बोल दिया कि अगर कहीं पे ये लिखता हूं, मैं ध्यान से सुनिएगा, अब लिखते जाइएगा साथ साथ, कि अगर मैं लिखता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो इसी स्टेटमेंट को हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। ये दोनों सेम स्टेटमेंट है, सिर्फ दो डिफरेंट तरीके से लिखी गई है, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स लिखो या उल्टा करके लिख दो इसको कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। फिर से बोल रहा हूं, इसको पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स, दिस इज नॉट पावर्स, दिस इज नॉट साइन एक्स रेस टू माइनस वन, या इसको आर्क साइन एक्स भी पढ़ते हैं, आर्क साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा। जो याद रखना है वो तो ये तो सबको याद रह जाएगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सबको याद रह जाएगा कि साइन थीटा एक्स है, हम उल्टा लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा,
जैसे साइन पाई बाई सिक्स हाफ है तो हम कह देंगे साइन इनवर्स हाफ पाई बाई सिक्स है, साइन पाई बाई टू वन है साइन 90 डिग्री वन है तो हम कह देंगे साइन इनवर्स वन पाई बाई टू, साइन पाई बाई थ्री रूट थ्री बाई टू है साइन 60 डिग्री की वैल्यू रूट थ्री बाई टू है तो उल्टा कर देंगे साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू बनेगा पाई बाई थ्री। जो याद रखना है वो क्या है वो सुनो, ये वैलिड कब है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा में एक्स क्या हो सकता है और थीटा क्या हो सकता है ये याद रखना ज्यादा जरूरी है कि x की वैल्यू हम कहां से कहां तक ले सकते हैं, थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक ले सकते हैं, ये जरूर याद रखें। तो x तो खैर ऑब्वियस है क्योंकि sin थीटा की वैल्यू x है और आपको पता है कि sin की वैल्यू जो भी होगी वो -1 और 1 के बीच में ही होगी, तो इसका मतलब है कि जब हम sin इनवर्स x लिख रहे हैं तो x मिनिमम -1 हो सकता है और मैक्सिमम +1 हो सकता है, x -1 और 1 के बीच में ही होना चाहिए, यानी sin इनवर्स x तभी डिफाइंड होगा जब x -1 से 1 में। इसी को अगर मैं मैथमेटिकल टर्म में कहूं तो ये कहूंगा कि साइन इनवर्स एक्स की डोमेन है माइनस वन से लेकर वन तक, कोई भी फंक्शन डिफाइंड जिस इंटरवल में होता है वही उसका डोमेन कहलाता है। तो अगर आप करेंगे साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड होगा माइनस वन से वन में तो इसका मतलब है कि एक्स जो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन है वो माइनस वन से वन है, एक्स की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में ही होनी चाहिए। तो ये लिख लीजिए कि इसमें जो एक्स है ये माइनस वन से वन है और दूसरी वैल्यू वही कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हम लेंगे कहां पे, यानी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है इसकी, प्रिंसिपल वर्ड लगाओ या ना लगाओ वो अंडरस्टूड है कि मुझे प्रिंसिपल वैल्यू लेनी, यानी साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो है कहां पे लेंगे कौन से इंटरवल में लेंगे। तो अभी मैंने कहा था साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू लेंगे वो माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में ही लेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। तो थीटा होगा माइनस पाई बाई टू से मैथमेटिकल टर्म में कहो तो ये कहेंगे कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन है माइनस वन से वन तक और साइन इनवर्स एक्स का रेंज है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यानी साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू हम लिखते हैं किसी भी फंक्शन एफ एक्स का डोमेन का मतलब है कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। अगर आप कह रहे हैं फंक्शन एफ एक्स का डोमेन तो आप ये देखते हैं कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, वैसे ही आप साइन इनवर्स एक्स का डोमेन देख रहे हैं दैट मीन्स एक्स देखोगे कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, एक्स माइनस वन से लेकर वन तक। रेंज का मतलब होता है कि फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक ले सकते हैं, यानी हम साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक ले सकते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स मिनिमम माइनस पाई बाई टू होगा मैक्सिमम पाई बाई टू होगा। अब आते हैं इसी तरह से कॉस थीटा, कॉस थीटा अगर एक्स है तो सेम वैसे लिख देंगे कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, जैसे साइन थीटा है तो आपने लिखा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा है तो लिखोगे कॉस इनवर्स एक्स। इसका डोमेन और रेंज क्या है, यानी इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी और थीटा की वैल्यू क्या होगी। एक्स तो इसमें भी ऑब्वियसली वही है माइनस वन से वन तक, क्योंकि आपको पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू माइनस वन से वन तक ही होती है, साइन थीटा मिनिमम माइनस वन होता है मैक्सिमम प्लस वन होता है, सेम वैसे ही कॉस थीटा भी, तो दोनों में ही एक्स जो मिनिमम हो सकता है वो माइनस वन हो सकता है मैक्सिमम प्लस वन, तो एक्स तो यहाँ भी वही है। इसमें थीटा चेंज हो गया, इसमें जो थीटा लेंगे वो जीरो से पाई में लेंगे, जीरो से लेकर पाई तक, जीरो डिग्री से 180 डिग्री तक। तो कॉस इनवर्स की जो भी वैल्यू लेनी है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से पिक करनी है या सेकंड क्वाड्रेंट से, जीरो से लेकर पाई तक। अब आते हैं टेन थीटा, अगर टेन थीटा एक्स तो लिखेंगे tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, इसमें x क्या होगा, x इसमें एनी रियल नंबर हो सकता है, तो क्या आपको पता है कि tan थीटा की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू माइनस वन से वन में होती है, tan थीटा एंड cot थीटा की वैल्यू एनी रियल नंबर होती है, इसलिए इसमें जो x है कैन बी एनी रियल नंबर, मतलब tan इनवर्स x ऑलवेज डिफाइंड है, tan इनवर्स x का जो डोमेन है ये ऑल रियल नंबर है, इसमें x को कुछ भी रख दूं ये डिफाइन रहेगा, जबकि इन दोनों में जो x होना चाहिए ये माइनस वन से वन के बीच में ही होना चाहिए। x इज एनी और थीटा जो लेंगे इसमें
ये ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। वैसे भी आपको पता है कि tan odd multiple of pi by 2 पे define नहीं होता, pi by 2 और minus pi by 2 पे tan define नहीं होता, इसलिए इसमें theta pi by 2 और minus pi by 2 पे हो नहीं सकता, open रहेगा minus pi by 2 से pi by 2 लेंगे, but both sides open। और next cot theta अगर x लेते हैं, तो cot inverse x is equal to theta, again open here। थीटा इसमें लेंगे जीरो से पाई, ओपन ऑन बोथ साइड। नेक्स्ट कोसिकेंट थीटा अगर एक्स, तो कोसिकेंट इनवर्स एक्स ये थीटा होगा, इसमें एक्स क्या होगा यहाँ पे, अगर कोसिकेंट थीटा एक्स लिख रहे हैं तो एक्स क्या होगा, याद है साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू माइनस वन से वन तक होती है, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में नहीं होती, बाहर होगी, यानी अगर आप कोसिकेंट थीटा एक्स लिख रहे हो तो एक्स माइनस वन और वन के बीच में नहीं होगा, बाहर होगा, या तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन में होगा या फिर वन से इन्फिनिटी में होगा, तो अगर कोसिकेंट थीटा एक्स लिख रहे हो तो एक्स माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन में हो सकता है या फिर वन से इन्फिनिटी में हो सकता है, बीच में नहीं होगा, तो एक्स है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन, और थीटा जो इसमें लेंगे ये लेंगे क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्सेप्ट जीरो, जीरो छोड़कर, और लास्ट हो गया सीकेंट थीटा एक्स। सीकेंट इनवर्स एक्स थीटा सेम, यहां भी एक्स वही है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, थीटा है जीरो टू पाई एक्स से पाई बाई टू, जीरो टू पाई एक्स से पाई बाई टू। याद रखना बहुत आसान है, अगर ध्यान से एक बार मेरी बात सुन लो तो शायद अभी याद हो जाए, उसे एक बार सुनो उसे ध्यान से, बोल क्या रहा हूं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज याद है, और वो बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा वेरी करते हैं माइनस वन से वन तक, मिनिमम होगा माइनस वन, मैक्सिमम होगा प्लस वन, टेन थीटा एंड कॉट थीटा कैन बी एनी रियल नंबर, और सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा बीच में नहीं आते, माइनस वन और वन के बीच में नहीं आएंगे, बाहर होंगे, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन या फिर वन से इन्फिनिटी। अगर ये बात दिमाग में रहे तो आपको पता है कि अगर साइन थीटा और कॉस थीटा की बात हो रही है तो इसमें जो एक्स होगा ये माइनस वन से वन में ही होगा, इसलिए साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स जब भी लिख रहे तो हम कहेंगे एक्स माइनस वन से वन में होना चाहिए, मैथमेटिकल टर्म में कहें तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन है माइनस वन टू वन, टेन थीटा और कॉट थीटा में एक्स एनी रियल नंबर हो सकता है, इसलिए टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स ये ऑलवेज डिफाइंड है, इनका डोमेन ऑल रियल नंबर है, यानी जब आप tan इनवर्स x लिख रहे हैं cot इनवर्स x लिख रहे हैं देन x कैन बी एनी रियल नंबर, कुछ भी रख दो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ये डिफाइंड हो, और secant theta और cosecant theta में जो x है ये माइनस वन और वन के बीच में नहीं होने चाहिए, मतलब इनका जो डोमेन है cosecant इनवर्स x और secant इनवर्स x का ये माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, ये तो हो गया डोमेन वाला पार्ट कि x क्या होगा, अगर sin इनवर्स x cos इनवर्स x tan इनवर्स x से लिख रहे हैं तो x दो दो का सिंपल सेट बना हुआ है, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स में एक्स माइनस वन से वन तक है, टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स में एक्स एनी रियल नंबर है, सीकेंट इनवर्स एक्स और कोसेकेंट इनवर्स एक्स में एक्स कैन नॉट लाई बिटवीन माइनस वन एंड वन, ये बाहर होने चाहिए माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। ये अब जानते हैं कि रेंज कैसे याद रखेंगे, टेन थीटा और कॉट जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज है वो कैसे याद, तो ये भी बहुत आसानी से याद रह जाएगा अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनें।
एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मोटे तौर पे जो रेंज है वो दो ग्रुप में बटा हुआ है। इनमें से तीन का रेंज जो है वो -π/2 से π/2 है और बाकी तीन का रेंज जो है वो 0 to π है। तो मोटे मोटे दो ग्रुप में बांट दो कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज है वो या तो -π/2 से π/2 होती है या 0 से π होती है। बस यही दो रेंज है, -π/2 से π/2 या 0 से π। अब कौन से तीन -π/2 से π/2 में और कौन से तीन 0 से π में, तो cos इनवर्स, cot इनवर्स और secant इनवर्स ये 0 से π वाले हैं और जो बाकी के तीन हैं sin इनवर्स, tan इनवर्स और cosecant इनवर्स ये -π/2 से π/2। ध्यान से सुनिएगा, क्वाड्रेंट में तो आप समझते ही हो 0 से π का हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया 0 से लेकर π फर्स्ट या सेकंड, और -π/2 से π/2 -π/2 से π/2 ये हो गया, ये है, ये हो गया ना, ये इधर ये 0 से -π/2 इधर ये 0 से क्लॉकवाइज में जाते हैं तो नेगेटिव। मतलब ये ध्यान से सुनो, साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स और कोसेकेंट इनवर्स एक्स इन तीन की वैल्यू जो है ये -π/2 से π/2 में होगी, यानी इनकी वैल्यू या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, फोर्थ या कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेकंड इनवर्स इनकी वैल्यू 0 से π में, 0 से π यानी फर्स्ट में या सेकंड। बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कोसेकेंट इनवर्स एक्स तीनों का -π/2 से π/2 याद रखो। बहुत फाइन डिफरेंसेस है कि साइन इनवर्स एक्स में क्लोज इंटरवल है, टैन इनवर्स एक्स में ओपन इंटरवल है -π/2 से π/2 और कोसेकेंट इनवर्स में -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0 है। वो 0 इसलिए है एक्सेप्ट 0 क्योंकि कोसेकेंट 0 डिफाइन नहीं होता है, कोसेकेंट 0 0 साइन 0 की वैल्यू 0 है तो कोसेकेंट 0 डिफाइन नहीं होता है, इसलिए 0 छोड़ दिया गया। ऐसे ही -π/2 से π/2 टैन में ओपन इसलिए कर दिया गया कि π/2 और -π/2 पे टैन डिफाइन नहीं होते, तो वैसे ही अगर डिफाइन नहीं होते इसलिए वो हट गए। जो बाकी के तीन है कौन से, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स इन तीनों की जो रेंज है वो क्या है 0 से लेकर π तक। बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, कॉस इनवर्स में क्लोज इंटरवल है, कॉट इनवर्स में ओपन इंटरवल है और सेकंड इनवर्स में 0 से π है एक्सेप्ट π/2, बीच से π/2 हट गया, बीच से π/2 इसलिए हट गया कि सेकंड π/2 में डिफाइन नहीं होता इसलिए π/2 हट गया बीच से। और कॉट इनवर्स में 0 और π पे ओपन इसलिए हो गया कि भाई कॉट की वैल्यू 0 पे डिफाइन नहीं होती, π पे डिफाइन नहीं होती और सारे मल्टीपल ऑफ π पे कॉट डिफाइन। तो मोटे तौर पे आप दो ग्रुप बना दें, कौन से, एक ग्रुप में रखें साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेकेंट इनवर्स को, दूसरे ग्रुप में रखें कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेकंड इनवर्स। जो पहला ग्रुप है साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेकेंट इनवर्स वाला, उनकी रेंज है -π/2 से π/2, शॉर्ट में ये याद रखो, बाद में वो फाइनल आपको याद हो जाएगा कि कहाँ क्लोज करना कहाँ ओपन है। मोटे तौर पर याद रखो कि जो तीन की रेंज है वो -π/2 से π/2 है और जो बाकी के तीन की रेंज है वो 0 से π है, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स, ये -π/2 से π/2 रेंज वाले हैं, यानी इनकी वैल्यू यहीं से पिक करनी है। कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेकंड इनवर्स इनकी वैल्यू पिक करनी है 0 से π। अब आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज लिखेंगे कैसे, हेडिंग देंगे हाउ टू राइट द वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रिंसिपल रेंज डिफाइन जो किया गया, एक तो वो बना लिया गया कि ये डिफाइन करेंगे, उसको डिफाइन करते हुए जैसे प्रिंसिपल रेंज अब यही कि -π/2 से π/2 ही साइन का क्यों चूज कर रहा हूँ, चूज करने को मैं π/2 से 3π/2 भी चूज कर सकता था क्योंकि π/2 से 3π/2 में भी साइन 1 और -1 के बीच में होगा। तो दो तीन मोटी मोटी बातों का ध्यान रखा गया इनवर्स मतलब उनकी जब रेंज डिफाइन की गई, एक तो हम ओरिजिन के नियरेस्ट वाला एंगल चूज करते हैं कि ओरिजिन के नियरेस्ट एंगल कौन सा है, दूसरी बात की अगर ओरिजिन के नियरेस्ट एंगल जो है वो हमें पॉजिटिव साइड से भी मिल रहा है, नेगेटिव साइड से भी मिल रहा है, तो दूसरी हम ये कोशिश करते हैं कि मान लो जैसे कॉस की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू जो है π/6 पे भी, π/3 पे भी हाफ होगा और -π/3 पे भी होगा हाफ होगा, जैसे कॉस 60° लोगे तब भी हाफ होगा और कॉस ऑफ -60° लोगे तब भी हाफ होगा, तो हम कॉस इनवर्स हाफ की कौन वाली वैल्यू लेंगे, कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू π/3 लेंगे या -π/3 लेंगे, तो फिर अगर दोनों तरफ से सेम वैल्यू मिल रही है तो पॉजिटिव वाला कंसीडर करेंगे, ये रखा गया दिमाग में।
दूसरी बात ये कि कोशिश ये की गई है कि जो हमारा रेंज वाला इंटरवल हो वो कंटिन्यूअस हो, मतलब वो ब्रेक ना हो, अनलेस की मजबूरी हो ब्रेक करना, जैसे किसी में जीरो से पाई एक्सेप्ट पाई बाई टू ब्रेक करना हो। तो कॉट इनवर्स की जो रेंज है वो जीरो टू पाई इसीलिए रखी गई है कि कॉट इनवर्स में जीरो से पाई में आपको क्लोज इंटरवल कंटिन्यूअस मिल जाता है, बीच में कहीं ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, अदरवाइज बीच में ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन इस चक्कर में पड़ो ना, पहले तो आप रेंज याद रख लो कि ये रेंज याद है, वो धीरे धीरे आपको खुद समझ में आने लगता है कि ऐसा क्यों लिया गया, और इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि क्यों लिया गया वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो ये कि रेंज कहाँ से लेनी है वो हम सिर्फ दिमाग में रखें कि हमें जो रेंज लेनी है वो यहाँ से लेनी। अब आते हैं कि रिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कैसे लिखेंगे। अगर मान लो हमें साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू लिखनी है, कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू लिखनी है, टैन इनवर्स 1 की वैल्यू लिखनी है, तो कैसे लिखें? उसके लिए फिर से मैं बोल रहा हूँ कि रेंज को दिमाग में रखना जरूरी है। और अब मैं और भी इसको थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट बना देता हूँ। पहले तो मैंने दो ग्रुप में बांटा, अब सुनिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कैसे। अगर किसी पॉजिटिव नंबर का इनवर्स लिख रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेकंड इनवर्स एक्स, कोसेकंट 6 है, एक्स अगर पॉजिटिव है तो इनकी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही फिक्स करनी है, यानी जीरो से पाई बाई टू में ही रहना है, उसके बाहर जाने ही नहीं है। यानी पॉजिटिव नंबर का जो भी इनवर्स होगा वो जीरो से पाई बाई टू में ही फिक्स करना है, इसके बाहर नहीं जाना। तो लिख लीजिए इफ एक्स इज नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इसलिए बोल रहा हूँ कि जीरो भी अगर हो जाए, तो जीरो भी हो जाए तब भी वैल्यू जीरो से पाई बाई टू में ही फिक्स करें। तो इफ एक्स इज नॉन नेगेटिव देन देन साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, छः के छः सारे लिख दो, देन साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेकंड इनवर्स एक्स, कोसेकंट इनवर्स, पूरे लिख दो छः के छः। वैल्यू फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू, इनकी वैल्यू जीरो से पाई बाई टू नहीं है, वैल्यू फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू। तो ये तो बिल्कुल मोटे तौर पे बिठा लो कि पॉजिटिव नंबर का जो हम इनवर्स लिखते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही लिखते हैं, जीरो से पाई, इसके बाहर जाएंगे नहीं। जो भी पॉजिटिव नंबर का इनवर्स चूज कर रहे हो तो बस आप इसी बीच पे फोकस करोगे, जीरो से लेकर 90 डिग्री तक, इसके बाहर नहीं जाओगे। अब जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, मान लो मुझसे वैल्यू पूछा गया साइन इनवर्स 1/√2, ये क्या होगा? तो आप माइंड में उल्टा सोचा करें, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले सीधी ट्रिग्नोमेट्री माइंड में होनी चाहिए, तभी आप उल्टा सोच पाओगे। साइन इनवर्स 1/√2 का मतलब यह है कि आप ये देखिए कि साइन की वैल्यू 1/√2 कहां पे बनती है, कौन से एंगल पे बनती है। तो साइन की वैल्यू 1/√2 बनती है पाई बाई 4 पे, तो इसलिए आप कहेंगे साइन इनवर्स 1/√2 है पाई बाई 4, ठीक है। और पॉजिटिव नंबर का है तो आप ज्यादा दूर जाए नहीं, आप सिर्फ 0 डिग्री से 90 डिग्री पे ही सोचे, उसके बाहर जाने की जरूरत ही नहीं आपको। नेक्स्ट मान लो हमसे पूछा गया कॉस इनवर्स, तो अब उल्टा सोचे कि कॉस हाफ कहां पे बनता है, कौन से एंगल पे कॉस की वैल्यू हाफ होती है, कौन से एंगल पे होती है, पाई बाई 3 पे, 60 डिग्री पे, तो ये हो गया पाई बाई 3। अगर आपसे पूछा गया टेन इनवर्स 1/√3, तो आप ये सोचें कि टेन 1/√3 कहां पे बनता है, पाई बाई 6 पे। मान लो आपसे जीरो, तो आप ये सोचें कि कॉट की वैल्यू जीरो कहां पे बनती है, 90 पे, कॉट 90 होता है जीरो, तो इसलिए कॉट इनवर्स जीरो हो गया पाई बाई 2। अगर मान लो आपसे पूछा गया कोसेकेंड इनवर्स 1, कोसेकेंड 1 कहां पे होगा, यहां पे साइन 1 होगा, और साइन 1 कहां पे होता है, पाई बाई 2 पे, तो ये हो गया पाई बाई 2। या मान लो आपसे पूछा गया सेकेंड इनवर्स 1, तो सेकेंड 1 कहां पे होगा, यहां पे कॉस 1 होगा, कॉस 1 कहां पे होता है, 0 पे, तो सेकेंड इनवर्स 1 हो गया 0। समझ में आ गई बात? तो पॉजिटिव नंबर में तो बहुत सिंपल है, पॉजिटिव नंबर में ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं, हम 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही फोकस करते हैं और देख लेते हैं कि क्या वैल्यू बन रही। अब आते हैं अगर एक्स नेगेटिव हो जाएगा तो क्या करेंगे। अगर एक्स नेगेटिव हो गया तो
जो तीन है साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स और कोसेकेंट इनवर्स एक्स, इनकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। मतलब साइन इनवर्स हाफ को बोल रहे हैं पाई बाई सिक्स, तो साइन इनवर्स माइनस हाफ को बोलोगे माइनस पाई बाई सिक्स, जस्ट माइनस करा रहे हैं। टैन इनवर्स वन को बोल रहे हैं पाई बाई फोर, तो टैन इनवर्स माइनस वन को बोलोगे माइनस पाई बाई फोर। इसी तरह से कोसेकेंट इनवर्स वन को बोल रहे हैं पाई बाई टू, तो कोसेकेंट इनवर्स माइनस वन को बोल दोगे माइनस पाई बाई टू। ये थी साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेकेंट इनवर्स। अगर एक्स नेगेटिव है तो इनकी वैल्यू को जस्ट नेगेटिव कर देना, यानी साइन इनवर्स अगर 1 बाई रूट 2 की जगह पे आप माइनस 1 बाई रूट 2 कर दो तो वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी माइनस पाई बाई 4। टैन इनवर्स 1 बाई रूट 3 की जगह पे आप माइनस 1 बाई रूट 3 कर दो तो वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगा माइनस पाई बाई 6। कोसेकेंट इनवर्स 1 की जगह पे माइनस 1 कर दो तो यह नेगेटिव हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। लिख लो इफ एक्स इज नेगेटिव, इफ एक्स इज नेगेटिव देन साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स एंड कोसेकेंट इनवर्स एक्स आर नेगेटिव, then sin inverse x, tan inverse x and cosecant inverse x are negative. अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, मान लो मुझसे वैल्यू पूछा गया sin inverse माइनस हाफ का, तो आप पहले उल्टा सोच लें कि अगर माइनस नहीं होता तो क्या वैल्यू लिखते हैं। तो साइन इनवर्स हाफ को आप लिखते हैं पाई बाई सिक्स, तो साइन इनवर्स माइनस हाफ को लिख दोगे माइनस पाई बाई सिक्स। मान लो आपसे वैल्यू पूछा गया टेन इनवर्स माइनस वन का, तो आप पहले टेन इनवर्स वन की वैल्यू सोच लें, अगर टेन इनवर्स वन होता तो पाई बाई फोर लिखते, टेन इनवर्स माइनस वन है तो माइनस पाई बाई फोर लिख देंगे। मान लो आपसे वैल्यू पूछा गया कोसेकेंट इनवर्स माइनस टू का, तो कोसेकेंट इनवर्स टू होता पाई बाई सिक्स, जैसे साइन पाई बाई सिक्स पे हाफ बन रहा है तो कोसेकेंट पाई बाई सिक्स पे टू बनेगा, तो कोसेकेंट इनवर्स माइनस टू, कोसेकेंट इनवर्स टू होता तो पाई बाई सिक्स लिखते, माइनस टू है तो क्या लिख देंगे माइनस पाई बाई सिक्स। यहां से आपको तीन फॉर्मूले मिल रहे हैं, ये फॉर्मूले याद रखिएगा। क्या तीन फॉर्मूले मिल गए आपको, कि अगर मुझे साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू लिखनी है तो हम माइनस को स्टेट अवे उठा के बाहर रख देते हैं, यानी हम इसको क्या लिख देते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। जैसे मुझे साइन इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू लिखनी है तो माइनस को उठा के बाहर लिख देते हैं और फिर लिख देते हैं माइनस साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू लिख देते हैं और माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो आप माइनस को उठा के बाहर ले जा सकते हैं। ठीक इसी तरह से tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो आप इसको माइनस tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, और कोसेकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो आप इसको माइनस कोसेकेंट इनवर्स एक्स। तीन फॉर्मूले हो गए, साइन इनवर्स माइनस एक्स में माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो माइनस tan इनवर्स एक्स लिख देंगे, कोसेकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो माइनस कोसेकेंट इनवर्स एक्स। अगर मुझे उससे वैल्यू पूछा गया साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ तो माइनस बाहर कर देंगे, वैल्यू लिख देंगे माइनस साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू पाई बाई सिक्स, माइनस से मल्टीप्लाई हो। अब रह गए बाकी के तीन, जो कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सिकेंट इनवर्स है, इनकी वैल्यू कैसे लिखेंगे अगर एक्स नेगेटिव है। अगर एक्स नेगेटिव हो तो इनकी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट से पिक करनी है, क्योंकि इनका रेंज कहां है जीरो से लेकर पाई तक, इनकी वैल्यू जो पिक करेंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट से पिक करेंगे। मतलब क्या, कॉस इनवर्स हाफ है पाई बाई थ्री, कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू पाई बाई थ्री, कॉस सिक्स की हाफ होता है तो कॉस इनवर्स हाफ पाई बाई थ्री। अगर कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ हो गया तो पाई माइनस पाई बाई थ्री बोलेंगे, पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी अगर कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो पाई में से कॉस इनवर्स एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिकेंड इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो पाई में से सिकेंड इनवर्स एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो पाई में से cot इनवर्स एक्स को सबट्रैक्ट कर देना, सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल लेना। जैसे cos इनवर्स ऑफ माइनस हाफ है तो cos इनवर्स हाफ बोल रहे पाई बाई थ्री, cos इनवर्स माइनस हाफ बोलोगे पाई माइनस पाई बाई थ्री, यानी टू पाई बाई थ्री। cot इनवर्स वन है पाई बाई फोर, लेकिन अगर cot इनवर्स ऑफ माइनस वन बोला जाए तो फिर पाई माइनस पाई बाई फोर बोलेंगे, यानी थ्री पाई बाई फोर।
secant inverse 1 है 0, secant inverse 1 0 है, लेकिन अगर secant inverse of minus 1 बोला जाए तो pi minus 0 बोलेंगे, यानी pi बोलेंगे। देखो if x is negative, if x is negative then cos inverse x, cot inverse x and secant inverse x, cos inverse x, cot inverse x and secant inverse x lie in the second quadrant, इनकी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट से लेंगे, लाइ इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और ये फॉर्म ले लिखो। जैसे तीन में तो आपने ये देखा कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, टैन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स और कोसेकेंड इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, उसमें तो हम माइनस को सीधा सीधा बाहर कर देते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस टैन इनवर्स एक्स, माइनस कोसेकेंड इनवर्स एक्स। लेकिन अगर कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, इसमें माइनस को बाहर नहीं करना है, इसको क्या लिखना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ऐसे ही कॉट इनवर्स ऑफ माइनस तो लिखना है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और सीकेंड इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस सीकेंड इनवर्स। सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल लेना है पाई में से सब्ट्रैक्ट करके, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको वैल्यू लिखनी है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, तो आप इसे ऐसे लिख दोगे कॉस इनवर्स हाफ। जब भी माइनस दिखे कॉस इनवर्स में, कॉट इनवर्स में, सेकंड इनवर्स में, तो पाई माइनस लिखना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, क्या वैल्यू हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई थ्री, यानी ये वैल्यू है टू पाई बाई थ्री। मान लो आपको वैल्यू लिखनी है कॉट इनवर्स माइनस वन, लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स वन, तो ये हो गया पाई माइनस पाई बाई फोर, यानी थ्री पाई बाई फोर। जैसे आपको वैल्यू लिखनी है सीकेंड इनवर्स माइनस वन, तो लिखोगे पाई माइनस सीकेंड इनवर्स वन, सीकेंड इनवर्स जीरो, तो ये पाई है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अगर एक्स पॉजिटिव है, इनफैक्ट नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो 6 के 6 सभी की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट से पिक करनी है, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, इसके बाहर नहीं जाना है, मिनिमम 0 मैक्सिमम पाई बाई 2। लेकिन अगर एक्स नेगेटिव है तो फिर तीन नेगेटिव हो जाएंगे, साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स और कोसेकेंड इनवर्स एक्स, इनकी वैल्यू स्ट्रेट अवे नेगेटिव कर देनी है, माइनस को बाहर कर देना है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस टैन इनवर्स एक्स, कोसेकेंड इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस कोसेकेंड इनवर्स। और जो बाकी के तीन रह गए कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेकंड इनवर्स, इनकी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट से पिक करना है, यानी कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, cot inverse of minus x pi minus cot inverse x, secant inverse of minus x pi minus secant inverse x। इतनी बातों में ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा इतनी देर में कि cos inverse, cot inverse और secant inverse इनका रेंज है चूंकि 0 से पाई तक, यानी इनकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, cos inverse, cot inverse और secant inverse ये तीन कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे इनकी, तो लिख लो इसे बल्कि cos inverse, cot inverse एंड secant inverse, cos inverse x, cot inverse x and secant inverse x, can never be negative. इन तीनों की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, जो ये तीन है, बाकी के तीन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन लिखो, राइट द वैल्यू ऑफ, बात ना करो
थ्री साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू माइनस फोर कॉट इनवर्स माइनस इसकी वैल्यू हो गया थ्री टाइम्स साइन की वैल्यू रूट थ्री बाई टू पाई बाई थ्री पे बनता है तो ये हो गया थ्री टाइम्स पाई बाई थ्री। फोर टाइम्स कॉट इनवर्स रूट थ्री, कॉट रूट थ्री होता है पाई बाई सिक्स पे तो कॉट इनवर्स रूट थ्री होता है पाई बाई सिक्स, कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री है तो पाई माइनस पाई बाई सिक्स, इसकी वैल्यू लिखेंगे पाई तो ये हो गया पाई माइनस फोर इंटू फाइव पाई बाई सिक्स, तो सिक्स माइनस ट्वेंटी माइनस फोर्टीन पाई बाई सिक्स या कर लो माइनस सेवन पाई बाई थ्री। नेक्स्ट लिखिए इसकी वैल्यू cos of 3 secant inverse minus 2 cosecant inverse minus 1 इसकी वैल्यू बने कॉस। देखो इधर थ्री टाइम्स, इधर देखो सीकेंड इनवर्स ऑफ माइनस टू, तो पहले तो आप ये देखो कि सीकेंड की वैल्यू टू कहां पे होती है, सीकेंड की वैल्यू टू यानी कॉस की वैल्यू हाफ और कॉस की वैल्यू हाफ पाई बाई थ्री पे, बट ये माइनस टू है तो पाई माइनस पाई बाई थ्री लिखेंगे तो दिस इज थ्री टाइम्स पाई माइनस पाई बाई कितने, इधर देखो इधर देखो इधर देखो आ जाएगा आंसर आ जाएगा देख लो इधर, और कोसेकेंड इनवर्स ऑफ माइनस वन, अरे इधर देखो कोसेकेंड इनवर्स ऑफ माइनस वन इसको तो सीधा सीधा नेगेटिव लिख दो तो ये हो गया माइनस फोर, कोसेकेंड इनवर्स वन होता है पाई बाई टू तो ये कॉस कितना हो गया थ्री पाई माइनस पाई टू पाई
और ये माइनस कॉस जीरो है यानी वन है। नेक्स्ट tan ऑफ सेवन टाइम्स cos इनवर्स माइनस वन बाई रूट। cot इनवर्स वन बाई रूट थ्री इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू बताओ, वैल्यू निकाली है उसकी, जो भी है निकाली है, वैल्यू बतानी है इसकी आपको, वैल्यू बतानी है। टेन के टर्म में आंसर नहीं छोड़ना है, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है क्या वैल्यू है। और इसीलिए बार बार कर रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कीजिए थोड़ी सी। अंकुर कहाँ खड़ा हुआ है, फॉलो कर ले, क्या सोच रहा है, कर ले। देखो बेटा अभी देखता हूँ, माइनस टू प्लस रूट थ्री। देखो इधर टेन सेवन टाइम्स, ध्यान दोगे इधर कॉस इनवर्स वन बाई रूट टू पाई बाई फोर, बट कॉस इनवर्स माइनस वन बाई रूट टू पाई माइनस पाई बाई फोर, तो दिस इज पाई माइनस पाई बाई। cot इनवर्स 1 बाई रूट थ्री पाई बाई थ्री, cot 60 डिग्री होता है 1 बाई रूट थ्री, तो cot इनवर्स 1 बाई रूट थ्री हो गया 60 डिग्री यानी पाई बाई टू। और दिस इज tan 21 पाई बाई फोर प्लस पाई बाई थ्री, फाइनली ये बन गया tan। देखो इधर 63 एंड 20, 83 पाई बाई 12, तो ये tan 83 पाई ओवर 12, लेकिन मैंने कहा कि इसकी वैल्यू भी लिखी है, ऐसे नहीं छोड़ना। तो आप इस पर ऐसे लिख सकते थे tan
ध्यान से सुनोगे, 12 इंटू 7 हो जाएगा 84, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, बल्कि 6 से ही कर लेता हूँ, 7 से तो ज़्यादा हो जाए 84, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 5 प्लस 11 5 बाई 12, बोलो लिख सकता हूँ, तो ये हो गया 10 6 5 प्लस 11 5 बाई 12, कुछ नहीं किया आपने, 12 से 83 को डिवाइड कर दिया, तो 12 इंटू 6 हो गया 72, रिमाइंडर बचा 11, तो आप इसलिए इस पैसे लिख सकते हैं 6 पाई प्लस 11 पाई बाई 12, और ऐसे लिखने का फायदा ये हो गया, सुनिएगा ध्यान से, इवन मल्टीपल ऑफ पाई इफेक्टिवली जीरो होता है, यानी 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई 12 पाई, ये इफेक्टिवली जीरो डिग्री होते हैं एंगल, यानी इनको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होता, किसी भी एंगल में आप 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू सेम रहती है, तो अगर हम इसमें से 6 पाई ऐड कर दें हटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 11 पाई बाई 12, तो ये हो गया, बच गया 10 11 पाई बाई 12, और पाई बाई 12 एक्चुअली पाई डिग्री में बोले तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई बाई 12 हो गया 15 डिग्री, तो 15 इंटू 11 का मतलब ये 165 डिग्री है, तो दिस इज 10 165 डिग्री, 10 165 डिग्री है ये, ठीक। नाउ 165 डिग्री को आप 180 माइनस 15 लिख सकते हैं, तो ये 180 माइनस 15 डिग्री है, बोलो सही है, बोल भी दो, और 10 180 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये माइनस 10 15 डिग्री है, माइनस 10 15 डिग्री, 10 180 माइनस थीटा, अगर आपको वैल्यू याद है तो डायरेक्टली लिख दीजिए, 10 15 डिग्री की वैल्यू होती है 2 माइनस रूट 3, और 10 75 डिग्री की वैल्यू होती है 2 प्लस रूट 3, वैसे याद रखना चाहिए क्योंकि अक्सर जरूरत पड़ती है, 10 15 डिग्री 2 माइनस रूट 3, 10 75 डिग्री 2 प्लस रूट 3, लेकिन अगर इनकेस नहीं याद है आपको तो 15 को आप 45 माइनस 30 तो लिख ही सकते हो, तो इसको लिख दो 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और अब इसे एक्सपेंड कर दो, टेन ऑफ ए माइनस बी के फॉर्मूले पे, टेन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10a - 10b होगा 1 प्लस 10 10b, तो ये हो गया 10 45 माइनस 10 30 ओवर 1 प्लस 10 45 इनटू 10 30, 10 45 1 10 30 1 बाई रूट 3, तो ये 1 माइनस 1 बाई रूट 3 और ये 1 प्लस 1 बाई रूट 3, सिंपलीफाई करके देखोगे तो फाइनल आंसर जो आपका आप देख लोगे, रेशनलाइज वगैरह करोगे तो ये आंसर बचेगा आपका √3 - 2। वैसे याद रखिए 10 15 डिग्री 2 माइनस रूट 3, 10 75 डिग्री 2 प्लस रूट 3, तो सीधा ही लिख देते हैं यहाँ पे 10 15 डिग्री 2 माइनस रूट 3। नेक्स्ट, इसकी वैल्यू लिखते हैं, cos 6 sin inverse माइनस 1 बाई 2, सेवन कॉस इनवर्स माइनस हाफ, इसकी वैल्यू
3/2 आ रही है। अभी देखो नेट वैल्यू लिखेंगे, कॉस्ट के टर्म में आंसर नहीं छोड़ेंगे, आपको वैल्यू बतानी है कि वैल्यू क्या है इसकी। हो गया सभी का, लिखते हैं भाई। तो साइन इनवर्स 1/√2 को हम लिखते हैं π/4। ऑब्वियसली साइन 1 साइन π/4 पे 1/√2 होता है। सुनो इधर बात बंद करो, साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4। तो साइन इनवर्स -1/√2 को लिखोगे -π/4, तो ये हो गया -6π/4। कॉस इनवर्स 1/2 होगा π/3, कॉस की वैल्यू π/3 पे हाफ है, तो कॉस इनवर्स 1/2 π/3, बट कॉस इनवर्स -1/2 को लिखोगे π-π/3। कॉस इनवर्स -1/2 π-π/3, ये -3π/2, और ये हो जाएगा 14π/3। सिंप्लीफाई करोगे तो 9 and 28 कितना हो गया -37π/6। बोलो ठीक है ये। और ये आपको पता है कि cos ऑफ -थीटा cos थीटा ही रहता है, cos में एंगल को नेगेटिव करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको आप cos थीटा लिख सकते हो, यानी cos 37π/6। कॉस ऑफ माइनस थीटा एंड कॉस थीटा दोनों एक चीज है, कॉस में एंगल का साइन बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब 37π/6 को हम 6π + π/6 लिख सकते हैं। अगर 6 से डिवाइड कर दें 37 को तो 6 आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 6π + π/6। और अभी मैंने कहा 2π, 4π, 6π, 8π रखें या ना रखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 6π को हटा दें तो cos π/6, cos π/6 हो गया √3/। ठीक है ये, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आओगे थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री।